नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने किया। लेकिन कांग्रेस के सीए विरोधी गुब्बारे के खुद कांग्रेसी नेता ने ही हवा निकाल कर रख दी। कांग्रेस ने सीए के खिलाफ किया हल्ला बोल, कांग्रेसी दिग्गजों ने ही खोली कांग्रेस की पोल। दरअसल संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून का खुलकर विरोध किया। इतना ही नहीं, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने तो इस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित करा दिया, लेकिन इस विरोध की कांग्रेस के ही नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ही पोल खोल दी। केरल साहित्य उत्सव के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि जब सीए पारित हो चुका है तो कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि मैं उसे लागू नहीं करूंगा, ये संभव नहीं है और असंवैधानिक है। आप उसका विरोध कर सकते हैं, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से ये कहना कि मैं इसे लागू नहीं करूंगा अधिक परेशानियां पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, सीए की संवैधानिक स्थिति संदेहास्पद है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वो कानून की किताब में कायम रहेगा और अगर कानून की किताब में है तो उसे सभी को मानना होगा। कांग्रेस के ही इन दिग्गज नेताओं ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि कोई भी राज्य नागरिकता संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू करने से मना नहीं कर सकता। बता दें, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने सीए के अलावा राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी यानी एनपीआर का विरोध किया है। केरल पहला राज्य है जिसने विधानसभा से नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करके लागू करने से मना कर दिया है। वहीं पंजाब विधानसभा ने यह कहते हुए प्रस्ताव पास किया कि नागरिकता कानून से देश की धर्मनिरपेक्षता को चोट पहुंची है, ये कानून समानता के अधिकार का हनन करता है। मित्रों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक जन जागरण अभियान, जन जागृति अभियान शुरू किया है। क्या है जन जागृति अभियान? मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक देश के कई सारे ऐसी समस्याएं जिनको 70 साल से कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था उसका समाधान लाने की शुरुआत की। अभी अभी पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पारित हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर वहां की सरकारों ने जिनको सुरक्षा नहीं दी, वो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन शरणार्थी जो भारत के अंदर आए उनको नागरिकता देने का ये बिल है। और ये बिल इसलिए लाना पड़ा मित्रों, देश का विभाजन हुआ और एक ऐतिहासिक सत्य में संसद में भी बोला था, आज भी बोलना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कान खोल कर सुन लो, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर करने का काम अगर कोई एक पार्टी ने किया तो आपकी कांग्रेस पार्टी ने किया और इस देश के टुकड़े किए। इसके बाद दोनों जगह पे अल्पसंख्यक रह गए, हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान भाई रह गए, पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन रह गए, पारसी रह गए। 1950 के अंदर राहुल गांधी, फिर से आपको कहता हूं सुन लो, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने एक लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ एग्रीमेंट किया और कहा कि दोनों देश जो वहां से यहां आते हैं और यहां से वहां जाते हैं वो माइनॉरिटी के लोगों को सुरक्षा देंगे, उनको नागरिकता देंगे, उनकी नौकरी देंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेंगे। मगर आज 70 साल के बाद
स्थिति क्या हुई। भारत ने तो अपना वादा निभाया, हमारे यहां जो अल्पसंख्यक भाई है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जैन बौद्ध सिख है, हमने तो उनको अपने गले से लगाया, ना उनकी आबादी घटी, ना कभी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया, ना उनके साथ अत्याचार किया गया। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में क्या हुआ मित्रों? आजादी के पहले दोनों पाकिस्तान, पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान में 30% हिंदू थे, 30%। जरा जोर से बोलो कितने थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी के पाकिस्तान में 30% से घटकर 3% रह गए, 3%। और बांग्लादेश के अंदर 30% से घटकर 7% रह गए। ये जो लोग हो अल्लाह करते, मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये 30% से घटकर जो 3 और 7% हिंदू सिख बौद्ध जैन ईसाई हुए, कहां गए वो? कोई जवाब दे सकता है क्या? मैं देना चाहता हूं जवाब, आज हुबली की जनता को बताने आया हूं मित्रों, ये जो 30% से 3% हुए, या तो वो मार दिए गए, या तो उनका धर्म परिवर्तन किया गया, या तो उनको भगा दिया गया। वो अपने परिवार की महिलाएं और अपने धर्म को बचाने के लिए भारत की शरण में आए मित्रों। सैकड़ों किस्से, मां और बाप के सामने बेटी पर बलात्कार हुआ, भाइयों के सामने बहनों पर बलात्कार हुआ, पति के सामने पत्नी पर बलात्कार हुआ, हजारों हजारों की संख्या में सामूहिक बलात्कार हुए, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च तोड़ दिए गए। अब जिस अफगानिस्तान में आसमान को छूने वाला भगवान बुद्ध का पुतला था, उस पर तोप के गोले दागकर एक पुतले को तोड़ दिया गया, उनको नौकरियां नहीं दी, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। और ये प्रताड़ित जो भाई थे, हिंदू सिख बौद्ध जैन ईसाई पारसी, वो सारे शरण लेकर भारत के अंदर आए। आज हम CAA लेकर आए हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन कानून क्या है? ये नागरिकता संशोधन कानून है कि जो लोग वहां से भागकर यहां आए हैं, उनको नागरिकता देना, भारत की शरण में जो आए हैं उनको नागरिकता देना, उनको सम्मान देना। आज मैं हुबली और धारवाड़ की जनता से पूछने आया हूं, हजारों की संख्या में हो, 50,000 से ज्यादा लोग यहां बैठे, मुझे बताइए भाइयों, ये जो जुर्म के मारे यहां है, अपने परिवार की मां बहनों की इज्जत बचाने के लिए आए हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए आए हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता, राहुल गांधी के कान तक जाना चाहिए, जोर से बोलिए, नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी, इनके मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए उनको नागरिकता देने का कानून लेकर आए हैं। मैं आपको बताने आया हूं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये JDS, ये सपा, ये बसपा, इनके पेट में क्या दुख रहा है बोला? जरा बताइए तो आपको दिक्कत क्या है? मैं बताता हूं उनको क्या दिक्कत है, उनको अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है। मगर मैं हुबली के इस मैदान पर बताना चाहता हूं कि वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। ये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया था कि हम इनको नागरिकता देंगे, पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने वादा किया था कि हम नागरिकता देंगे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वादा किया था कि हम नागरिकता देंगे, मौलाना आजाद ने वादा किया था कि हम नागरिकता देंगे, आचार्य कृपलानी ने वादा किया था कि
कि हम नागरिकता देंगे। राहुल बाबा ये सारे के सारे कांग्रेसी लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने वादा किया था। 70 साल में 50 साल 55 साल आप शासन में रहे मगर आपने वादा पूरा नहीं किया। वो वादा आज नरेंद्र मोदी पूरा करने जा रहे हैं मित्रों, इनको नागरिकता देने जा रहे हैं। और इस सबको छोड़ दीजिए, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ये कहा था, मैं उनकी बात को पढ़ना चाहता हूं। 26 सितंबर 1947 की प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने कहा, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू सिख हर नजरिए से भारत में आने का अधिकार रखते हैं। अगर वो वहां रहना नहीं चाहते, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं होता तो उनको नागरिकता देना, नौकरी देना और उनके जीवन में उनको गौरव प्रदान करना भारत सरकार का कर्तव्य है। अब कोई मुझे जवाब देगा कि महात्मा गांधी की भी आप नहीं सुनते हो भाई, महात्मा गांधी की भी आप नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे मित्रों? और ये जो लोग आए हैं, लाखों करोड़ों लोग आए बंगाल के अंदर बसे, मथुरा समाज और नाम शूद्र समाज के लोग हैं जो आए हैं, इसमें 70% दलित भाई बहन है, 70% से ज्यादा दलित भाई बहन है। ये जो विरोध कर रहे हैं सीएए के, उनको मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए दलित भाइयों का विरोध कर आप क्या प्राप्त कर लोगे, क्या प्राप्त करना चाहते हो? और सीएए का जो विरोध कर रहा है वो दलित विरोधी है मित्रों, दलित विरोधी है, ये आप जानकर रखो। जब चुनाव के मैदान में उतरोगे, इस देश का दलित समाज बुद्ध के पुतले पर, भगवान बुद्ध के पुतले पर तोप के गोले चलाने वाले का हिसाब पूछेगा। आप किसका समर्थन करते हो?